हाँ जी, 12 फरवरी की अभ्यर्थी बोला है स्टूडेंट को बहुत बारिश क्वालिटी बारिश का आपको बताया है बारिश क्वालिटी जो वाणी है वो 12 फरवरी की है या जब बाबा जीवित थे उस समय की है? जो वाणी की तारीख बताई वो तारीख रिवाइज कोर्स की है या वो ओरिजिनल मुरली है? रिवाइज कोर्स से साबित होता है कि पुरानी वाणी है, इसलिए बोला कि अभी तो रेगुलर स्टूडेंट्स भल हैं बहुत, लेकिन राजा क्वालिटी के नहीं निकले हैं। राजा क्वालिटी के तब निकले जब अथक सेवादारी हों। सर्वसेवुल बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। किस बात की मुख्य सर्विस है? जो सेवादारी बच्चे हैं उनकी सेवा मुख्य बात किस तरह की है? मुख्य सेवा है ही बाप का परिचय देने की। और जिस समय की ये वाणी चली हुई है ओरिजिनल, उस समय बाप का परिचय था ही नहीं। तो जब बाप का परिचय ही नहीं था तो वर्षा देने वाले बाप का परिचय न होने के कारण राजा ही प्राप्त करने वाले कहां से निकलेंगे? सब प्रजावर्ग की आत्माएं बैठी हुई थी, इसलिए ऐसे बोला। हाँ बाबा, अभ्यास करते करते अनुमान भी सत्यापित हो जाएगा। अनुमान सत्यापित नहीं होता है, क्योंकि मुरली में बोला है अनुमान से नुकसान होता है। का प्रूफ चाहिए हर बात का। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानते नहीं है। अनुमान से तो बोलने की ही बात नहीं। निराधार पुरुषार्थ की प्रैक्टिस कर लाल लाइट कर ली, ये भी आधार हो गया। रिकॉर्ड बजा लिया, ये भी आधार हो गया। प्रकार का आधार न हो तब कहेंगे निराधार। निराधार माने राजा, आधार माने प्रजा। राजा सदैव निराधार होता है, रानी का भी आधार नहीं। गोमास्तों का भी आधार नहीं, पदाधिकारियों का भी आधार नहीं।
जब आधार ही नहीं है तो प्रभावित किससे होगा? प्रभावित होने वाली प्रजा होती है, राजा कोई इससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन बाबा लाल लाड याद करते हैं, लाल लाड को याद करते हैं ना, परम भाव की याद आ रहा है, लेकिन हम सुनती कैसे? जो लाल लाइट करते हैं वो परम धाम की यादगार तो है, लेकिन क्या बुद्धि से लाल लाइट को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? तो उसको कहेंगे निराधार। और अब आखिरी जन्म में सन्यासी थे तो अंतिम समय का जब पुरुषार्थ होगा तो उसमें सन्यास के संस्कार जरूर उदय होंगे। 5000 वर्ष का ड्रामा कब शूट होता है? तो संगम युग में ही शूटिंग होती है, आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक की शूटिंग होती है। और इस जन्म में हमारे से वही आत्माएं टकराएगी जिनसे हमारा हिसाब किताब होगा, अन्यथा दूसरी आत्माएं हमारे से नहीं टकराएगी। तो वही आत्माएं टकराएगी। हाँ, 63 जन्मों में जिनके साथ टक्कर खाने का हिसाब किताब रहा होगा, इस संगम युग के अंतिम जन्म में वो टकराव देखने में आवेगा, अनुभव में आवेगा, शूटिंग में शूट होता रहेगा। और उग्रवाला में जो 9 प्रकार के 25-25 हजार आत्माएं होंगी ना, 1.25 लाख, इसमें जो सूर्यवंशी 25 हजार होंगे उनकी क्या विशेषता? कोई फूल होता है सूर्यवंशी, तो किसके सन्मुख रहता है? सूरज के ही सन्मुख रहता है। सूरज पूरब में होगा तो उसका मुख पूरब में होगा, सूरज दक्षिण में जाएगा तो मुख दक्षिण में जाएगा, सूरज पश्चिम में जाएगा तो मुख पश्चिम में जाएगा। किसके सन्मुख रहेंगे? सूर्य के ही सन्मुख रहेंगे। जन्मांतर जहाँ बाप राजा करेगा वहीं पर रहेंगे। सन्मुख रहने का क्या मतलब है और विमुख होने का क्या मतलब है? सीता ने रावण को पीठ दिखाई तो क्या कहेंगे? राम के सन्मुख थी या विमुख थी? बल रावण के राज्य में भी थी, फिर भी बुद्धि से राम के सन्मुख थी। ये निशानी है सूर्यवंशियों की। और हाँ, गंगा थी ना उसमें शांतनु से शादी की, अच्छा इसके बाद फिर गंगा छोड़ के चली जाती है, फिर वो सरस्वती से शादी करता है, तो गंगा जी छोड़ के जाती है, फिर वो गंगा कहाँ रहती है, इसकी सुनिंग कैसे होती है? गंगा छोड़ के जाती तो कहाँ रहती है? जो गृहस्थी को छोड़ के जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? सन्यासी बन के रहते हैं, सन्यासियों के हुजूम में रहते हैं। शांतनु से शादी की, शांतनु को अर्थ क्या हुआ?
जिसको शांति ही नहीं है, नो शांति। नहीं तो एक से शादी होने के बाद ही शांति हो जानी चाहिए। अशांति है, सन्यासी समझते हैं कि हम शांत में रहते हैं, हम दूसरों को शांति का दान दे सकते हैं। तो गंगा ने भी शांति देने का प्रयास किया शांतनु को, लेकिन सफल हुई या असफल हुई? असफल हो गई। है शांति शांतनु को जिसको शांति ही नहीं है, ना एक से शांति है ना अनेक से शांति है। भारत के राजाओं ने सुख शांति की दौड़ में, सुख शांति की प्राप्ति में कितनी कितनी शादियां की, फिर शांति हुई कि और ही अशांति हो गई? तो उन राजाओं का भी कोई राजा, उनका भी कोई बीज होगा, उसी का नाम शांतनु हुआ। और अभी डेली की क्लास के बाद गीता खंड के पॉइंट सुनाते हैं, तो चलती क्लास में गीता खंड के पॉइंट याद कर सकते हैं क्या? उसमें बुद्धि योग टूटेगा नहीं बाबा, एक तो मुरली सुनना, उसके गीता खंड के पॉइंट याद करेंगे चलती क्लास में। बाबा की क्लास चलती है उस समय गीता खंड के पॉइंट किताब खोल के याद करना और बोलना। तो टीचर मना नहीं करती? क्यों? और जब बाबा की मुरली चल रही है उस समय दूसरा काम थोड़े ही करना चाहिए, बाबा की मुरली में ध्यान देना चाहिए। बाबा ने तो कोई काम करने के लिए भी मना कर दिया। कर्मयोगी बनने के लिए बात दूसरी है, याद करते हैं तो कोई कर्म कर सकते हैं। कर्म करते याद करना बहुत ऊंची स्टेज है, लेकिन मुरली सुनते समय कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। ये टीचर का डिसरिगार्ड है, और सामान्य टीचर तो है नहीं, ये तो ऊंचे ऊंचे है, तो उसका रिगार्ड तो करना ही करना है। और अभी जैसे गीता खंड के पॉइंट याद करके बोलते हैं, लेकिन पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं, जैसे आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, सब भूलते जाते हैं कि आप ही भूलते जाते हैं? भूलने वालों में भी नंबरवार हैं और याद करने वालों में भी नंबरवार हैं। और और फिर माता के गर्भ में प्रवेश कर गर्भ देवता होकर दूसरा जन्म देती है। तो प्रश्न ये है कि उस समय पतित आत्मा पर पवित्र पावरफुल सोल के समुद्र का रंग क्यों नहीं चलता? दुनिया में एक भी ऐसी आत्मा नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के, जिसको संग का रंग न लगता हो, इसलिए ऐसा होता है। एक शिव बाबा ही है जो इस दुनिया में पतित से पतित कामी कांटे में आता है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता है। ऐसे गंदे गांव में आता है जहां के लोगों को खाने के लिए भरपूर रोटी भी नहीं मिलती है, ऐसे दुष्कर्म किए हुए हैं,
उनके संग का रंग भी नहीं लगता है। संग का रंग किन को लगता है और किसको नहीं लगता? जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनको संग का रंग लगता है, और जो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं उसको संग का रंग लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाबा, मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, हाँ, ब्राह्मण परिवार से प्यार तो बाप से प्यार भी कह सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में एक जैसे हैं क्या कि नंबरवार हैं? हैं नंबरवार हैं। और मुरली तो एक ही जैसी है। मुरली तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, मुरली ही श्रेष्ठ बनाती है। दुनिया में इतनी श्रेष्ठ वाणी और किसी की है ही नहीं। तो मुरली से हम कैसे तुलना कर सकते हैं? और जो अभी पत्नियों से संपर्क करते हैं और एक तो पावन पत्नियों से सब पावन करते हैं, उससे पहले क्या बोला? एक जब पतित बनता है तो उसके पीछे पीछे सब पतित बनने लग पड़ते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो वो एक कौन है? शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो आत्मा पतित है या पावन है? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है तो हर समय सूक्ष्म वतनवासी रहता है या प्रवेश भी करता है? तब कैसा है? हाँ बाबा, जैसे आत्माएं या शरीर नहीं, मूल वतन में रहती हैं तो शरीर के बिना काम नहीं कर पाती, वैसे ही 1936 के पहले शिव बाप कैसे कार्य करते हैं? 1936 के पहले भगवान कैसे कार्य करते हैं? जब कहाँ कार्य करता है? संगम युग में कार्य करता है कि और युगों में कार्य करता है? याद तो करते हैं भगवान को, शरीर भगवान को याद करते हैं। भगवान को जाने या ना अनजाने याद करते हैं, तो याद करना न करना बेकार हुआ या कारगर हुआ? हाँ जी, पराधीन होकर डबल रोटी मक्खन डबल रोटी भी मिले तो बुरी चीज है, स्वाधीन होकर घास की रोटी भी मिले तो अच्छी चीज है, कैसे बात? हाँ ठीक है, पराधीन सपने सुख नाई, जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, स्वाधीन ही सुखी है। इसलिए स्वाधीनता संग्राम चला है, सैकड़ों वर्ष स्वाधीनता के लिए लड़ाई चली है। ऐसे नहीं कि महारानी लक्ष्मीबाई के जमाने से स्वाधीनता की लड़ाई चली, महारानी लक्ष्मीबाई से पहले शिवाजी हुए, क्या उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ी? लेकिन पहचान नहीं थी कि असली स्वाधीनता क्या है, स्व माने क्या है। भगवान ही आकर के स्व की पहचान देते हैं। स्वधर्म ए निधनम से यह परधर्मो भयावह,
असली स्वधर्म में देवताएं रहती हैं, तो देवताएं ही असली सुख पाती हैं। ऐसे नहीं कि अंग्रेजों से राजाई ले ली तो भारतवासी स्वाधीन हो गए। क्या स्वाधीन हो गए कि और ही ज्यादा परतंत्र हो गए? अंग्रेजों के राज्य में ज्यादा सुखी थे या अब ज्यादा सुखी हैं? क्यों? अंग्रेजों के राज्य में ये टाटा बिरला इनके हाथ में राजाई नहीं थी। अभी बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेताएं किसकी मुट्ठी में है? टाटा बिरला के हाथ में है। और टाटा बिरला जैसों की गिनती बहुत थोड़ी है या ज्यादा है? बहुत थोड़ी है। अभी सब पराधीन है। भगवान ने आकर के हमको सच्चा रास्ता बताया कि सच्ची स्वाधीनता क्या है। तीसरा नंबर किसको डिक्लेयर करेंगे? वैष्णो देवी को? वैष्णो देवी जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, वो लक्ष्मी का जन्म कब हुआ? मुरली में भी आया है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, अर्थात कब जन्म हुआ है? 76 में हुआ। विष्णु को एक आत्मा थोड़ी है, दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है या एक आत्मा का कॉम्बिनेशन है? है दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। तो कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु, तो दो ब्रह्मा हो गए जो समान पुरुषार्थी बनते हैं। समान पुरुषार्थी होने के कारण उनके संपूर्ण होने का टाइम एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो जैसे अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण, उनका जन्म दिवस बताया 76 में होता है, ऐसे ही जो द्वयम नंबर के लक्ष्मी नारायण हैं, कौन? ब्रह्मा सरस्वती, राधा कृष्ण, उनके भी संपन्न होने का टाइम एक ही होना चाहिए। साथ साथ जन्म लेंगे सतयुग में या अलग अलग जन्म लेंगे? तो शूटिंग पीरियड में भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ है या अलग अलग है? एक साथ। और बाबा अभी कहा कि यज्ञ में राम फेल हो गया, यज्ञ के आदि में, तो किस बात में फेल हो गया? किस बात में फेल हो गया? सब्जेक्ट तो चार नहीं है, किस बात में फेल? चारों सब्जेक्ट में फेल हो गया।
क्यों फेल हो गया? सवाल तो ये है, उस समय पूरा ज्ञान था क्या? माँ के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो संपूर्ण ज्ञान होता है या बेसिक नॉलेज अधूरी होती है? अधूरा ज्ञान था इसलिए फेल हो गया। और राम ही अकेला फेल होता है या माया सबको फेल करती है? है ऐसा कोई भी अहंकार न करे कि मैं माया से फेल होने वाला नहीं हूं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो जो पहले फेल हो गया, पहले अनुभवी हो गया, वो फायदे में रहेगा, या जो बाद में फेल होंगे वो फायदे में रहेंगे? और बाबा अभी इंदौर में 8 पॉइंट की सेवा ब्रह्मा कुमारियां बताए, नहीं तो हम बताएं, बिल्कुल नहीं हो रही बाबा। कहाँ हो रही है? बम्बई वाले कर रहे हैं। इंदौर में भी है? नहीं हो रही बम्बई। ये तो बम्ब है, नहीं परमात्मा बम्ब नहीं है, छोटे मोटे बम्ब से हैं। तो बम्ब फोड़ने की सेवा कौन करेंगे? है जो करेंगे वो बॉम्बे वाले। आप तो बॉम्बे वाले नहीं है। अब दिल्ली में भी जो करेंगे वो भी बॉम्बे वाले, जो नहीं करते हैं इंदौर को भी मिनी बॉम्बे बोलते हैं। इंदौर को भी मिनी बॉम्बे बोलते हैं। नहीं तो क्यों नहीं करनी चाहिए? कोई खराब बात है? सच्चाई बताना। लेकिन प्रश्न चित्त बनाना है या प्रसन्न चित्त बनाना है? तो ये प्रश्नों का सुगुफा छोड़ दिया, लेकिन समाधान तो नहीं हुआ। तो पढ़ने वाले प्रश्न चित्त बनेंगे या समाधान स्वरूप बनेंगे? है तो क्या अच्छा है? समाधान स्वरूप बनना और बनाना अच्छा है, या सिर्फ प्रश्न छोड़ देना और प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं, और ही बेचारे संशय में आ जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों से जाके सीधे पहुंचेंगे, पूछेंगे, अब वो तो जानती नहीं है। तो करना क्या है? प्रश्नों को उनके सामने डाल के फिर बाबा ने जो मुरली में पॉइंट दिए, हर पॉइंट के पीछे मुरली का जो पॉइंट आता है वो पोस्ट करते हैं। नंबर भी दिए हो ना, फोन नंबर जो हम लोग पोस्ट करते हैं। हाँ, तो फोन नंबर देने से 8 प्रश्नों का समाधान उनका हो जाता है? मुरली के पॉइंट पोस्ट करते हैं बाबा, जैसे करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, लेकिन उनके 8 प्रश्नों का समाधान हो जाता है? तो संशय बुद्धि पर है, निश्चित तो दूर दूर तक नहीं है। इसलिए बॉम्बे को तो बोला हुआ है, बॉम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। फिर ऐसे भी नहीं है कि बॉम्बे में स्थापनाकारी नहीं है और दिल्ली में विनाशकारी नहीं है। जैसे बोला गुजरात कि गुजरात में ही अज्ञान की रात गुजरने वाले हैं और दूसरी जगह नहीं है,
ये तो बेहद की बातें हैं, इनको हद में नहीं बांधा जा सकता। और तो उनके समाधान के लिए फिर क्या करना है? हाँ जी बोलो। कोई आत्मा कभी कमजोरी रहती है, उनको मौका मिल नहीं देती, और धीरे धीरे कभी कमजोरी में सुधार कर लेती है। क्या जी? धीरे धीरे कभी कमजोरी में सुधार कर लेती है। सवाल ही नहीं होता, ऐसा समाधान हो ही नहीं सकता कि कोई अपनी गलतियों को छुपाता रहे, बतावे ही नहीं और सुधार जाए। सुधार हो ही नहीं सकता, वो गलतियां बार बार याद आती रहेंगी। और याद आता है, ये अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। लिख करके देना और ये समझ लेना कि हमारा आधा माफ हो जाता है, और बार बार लिखते रहना और समझना हमारा आधा माफ हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक बार माफ, दो बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होता है, परसेंटेज कम होता जाता है माफ करने का। जैसे दुनिया में कोई ऐसे होते हैं हत्याएं करते रहते हैं, अगले जन्म में भी हत्याएं करते रहते हैं, तो हत्या करने के संस्कार बन जाने के कारण उनका जन्म कसाईयों के यहां होता है। फिर कसाईयों में जो बच्चा पैदा होता है, उसको अगर समझाओ कि गाय काटना बकरी काटना पाप है, तो उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं बैठेगा? ऐसे जट बुद्धि हो जाते हैं। हाँ बाबा, कई शिव मंदिर में ना परिक्रमा आदि दी जाती है शिवजी के अंदर। जो परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा न करके जहां से लौट जाते हैं वापस, तो वहां क्या चीज है? है नाली। वो नाली की ओर बैल बैठा हुआ दिखाया गया है। वो नाली किसकी यादगार है? शिवलिंग स्थापन करते हैं तो जलाधारी में स्थापन करते हैं, जल को धारण करने वाली जलाधारी। कौन सा स्थूल जल की बात है या ज्ञान जल की बात है? तो ईश्वर के दिए हुए ज्ञान जल को 100% कौन सी आत्मा ने धारण किया था? कोई आत्मा है जिसने 100% धारण किया था? अरे औरों ने 100% नहीं धारण किया, एक आत्मा ने 100% धारण किया। वैसे तो बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, लेकिन सब नंबर वार हैं या एक जैसी हैं? तो 100% ज्ञान जल को धारण करने वाली पार्वती कोई है या नहीं है? उसकी यादगार है जलाधारी। वो जलाधारी का मुख जिस तरफ जाता है उस तरफ नाली बनाई जाती है। वो तुम्हारी अम्मा है। अम्मा को क्रॉस करना अच्छी बात है क्या? है कृष्ण क्या करता है?
है, कृष्ण अम्मा का पति बनकर के बैठता है या बच्चा ही बनकर रहता है? है, पति बनकर के बैठ जाता है, जो बैल के रूप में दिखाया हुआ है। तो बैल बुद्धि बनना है या दिव्य बुद्धि देवता बनना है, क्या बनना है? दिव्य बुद्धि बनना है। इसलिए नाली को क्रॉस नहीं करना है। दूसरी बात दिखाते हैं, शिव के ऊपर जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उस नैवेद्य को भी नहीं खाना है। जो कन्या माताएं अर्पण होती है वो ही नैवेद्य है। उस नैवेद्य को अगर कोई खाएगा तो विष का सेवन करता है, वो देवता नहीं बन सकता। क्या बनेगा? राक्षस बनेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर की तरफ दिखाया जाता है। कंपेल में रामेश्वरनाथ मंदिर, कालेश्वरनाथ मंदिर देखा कि नहीं? पुराने मंदिर हैं। और हाँ है, ठीक है, कौन देगा वकालत का ज्ञान? कौन देगा? वकील ही देगा। इंजीनियरिंग का ज्ञान कौन देगा? है, इंजीनियर ही देगा। तो तीसरा नेत्र कौन देगा? जिसके पास तीसरे नेत्र का ज्ञान होगा वो ही देगा। और कोई दे सकता है क्या? है, नहीं दे सकता। हाँ जी, राजा को तैयार करने के लिए एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। प्रदर्शनी में हुजूम के हुजूम आते हैं और उनको इकट्ठा समझाया जाता है। दृष्टि की ताकत व्यभिचारी मिलेगी या अव्यभिचारी मिलेगी? व्यभिचारी ताकत मिलती है। प्रदर्शनी में वाइब्रेशन की ताकत व्यभिचारी मिलेगी या अव्यभिचारी मिलेगी? व्यभिचारी शक्ति मिलती है। वाचा की पावर व्यभिचारी होगी या अव्यभिचारी होगी? वो भी व्यभिचारी हो जाती है। तो अब व्यभिचारी ज्ञान लेने से राजा बनेंगे या व्यभिचारी ज्ञान लेने से राजा बनेंगे? है, अब व्यभिचारी ज्ञान से राजा बनते हैं। अब व्यभिचारी वाइब्रेशन चाहिए, अब व्यभिचारी वाचा चाहिए, अब व्यभिचारी दृष्टि चाहिए समझाने जब समझते समय। इसलिए बोला एक एक को बैठ करके समझाओ। प्रदर्शनी में ऐसा संभव है? नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को भक्ति की है वो भी बाबा को याद करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे जो बाबा ज्ञान में चलते हैं लेकिन भक्ति में भी है, पैदा ही नहीं हुए, वो भी बाबा को याद करते हैं, पैदा ही नहीं हुए। दोनों की याद में क्या अंतर है? याद तो वो भूत प्रेत हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए। गर्भ में जाए बगैर बच्चा बनता है या गर्भ में जाने से बच्चा बनता है?
है, गर्भ में आत्मा जाएगी तो बाप का बच्चा बनेगी। वो 9 महीने का गर्भ होता है, ये 9 दिन का गर्भ है, ज्ञान गर्भ। 1 दिन आना 1 दिन जाना, 7 दिन बीच में। तो जो आत्मा गर्भ में गई नहीं, बाप के घर में पहुंची ही नहीं, वो बाप का बच्चा कैसे बन गई? उसकी याद बाबा तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? बाबा तक तो सब पहुंचता है, लेकिन जिसे आप बाबा समझते हैं वो बाबा साकार होता है या निराकार होता है? बाबा तो साकार के मेल को कहा जाता है, बाकी शिव बाप तक तो हर बात पहुंचती है। शिव बाप है अंतर्यामी, और जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा है बहिर्यामी। और विनाश के समय आदि बाप आत्मा है और आदि पुण्य आत्मा है, आदि बाप आत्मा और आदि पुण्य आत्मा है, बाप आत्मा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। कन्याओं माताओं के लिए नहीं कहा कि सब कन्याएं माताएं दुर्योधन दुशासन सुपनखा पूतना है? तो स्वर्ग में जो पुरुष प्रकृति के हैं जन्म जन्मांतर के, वो रुद्रमाला की आत्माएं हैं या चंद्रवंशी विजयमाला की आत्माएं हैं? जन्म जन्मांतर के पुरुष प्रकृति वाले कौन से हैं? है रुद्रमाला। तो दुर्योधन दुशासन प्रकृति के हैं या स्त्री प्रकृति के हैं? तो पापात्मा कौन हुए? रुद्रमाला के मन के ही पाप आत्मा हुए। इनको अंत तक सेवा करनी पड़ेगी। विनाश भी सृष्टि का होता रहेगा और सेवा भी विनाश के बीच में रह करके करनी पड़ेगी, क्योंकि 108 जो मन के हैं उनमें 8 को छोड़ करके बाकी सब सजा खाने वाले हैं या नहीं है? तो जो सजा खाने वाले हैं वो विधर्मी हैं या पक्के स्वधर्मी हैं? है, सब विधर्मी बन जाते हैं। दूसरे धर्म को अपनाने वाले बन जाते हैं। इसलिए बोला कि आधे पाप आत्माएं और आधे पुण्य आत्माएं बचेंगे। जो जन्म जन्मांतर की रानी बनने के स्वभाव वाले हैं वो पुण्य आत्माएं हैं या पाप आत्माएं हैं? पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए स्वर्ग में रहेंगे। जब पहचानेंगे अंत मते सो गते, लास्ट सो भूल गए, लास्ट में आने वाले भी फास्ट चले जाएंगे। तो 63 जन्म का पुण्य का प्रताप होगा ना, प्योरिटी का, इसलिए आगे चले जाएंगे। हाँ, मैं ऐसे से विनाश करता कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे।
तो कितने हैं जिन पर कोई पाप नहीं लगता? आठ हैं। उन आठ नंबर में महाकाली आती है? आती है। फिर और आदि में अनंत शिव ने ज्ञान का बीज बोने के लिए या नई नव सृष्टि निर्माण के लिए आदि माता या पिता माता ब्रह्मा के रूप से साक्षात्कारों का रहस्य सुनाने के लिए उनका क्लैरिफिकेशन देने के लिए भागीदार यानी राम वाली आत्मा के शरीर में एक साथ प्रवेश किया। कौन? राम वाली आत्मा के साथ के शरीर में एक साथ प्रवेश किया। कौन? जब आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु है तो वो दो शरीर का आधार कैसे देखते हैं? बच्चा एक से पैदा होता है या दो से पैदा होता है? हैं? माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। जैसी धरणी होती है वैसा उसका प्रभाव निकलता है। वही आलू फर्रुखाबाद में भी पैदा होता है और वही आलू दक्षिण भारत में भी पैदा होता है। दक्षिण भारत का आलू गैस ही गैस पैदा करता है और उत्तर भारत का गैस क्यों नहीं पैदा करता? धरणी का अंतर हो जाता है। तो शिव परमपिता परमात्मा के लिए जगदम्बा और जगत पिता दोनों ही धरणी हैं। इसलिए जगदम्बा में जब प्रवेश करते हैं तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है। और प्रजापिता में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। ये अंतर पड़ जाता है। इसलिए अंत में जब महाकाली पार्ट बजाती है, जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है तो अज्ञान का पार्ट बजाती है या ज्ञान का पार्ट बजाती है? जगदम्बा से माया हाथ मिला लेती है तो जगदम्बा माया के प्रभाव से प्रभावित हुई या नहीं हुई? प्रभावित हो गई। जो माया से प्रभावित हो जाते हैं वो अज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं या ज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं? अज्ञानियों की लिस्ट में आ जाते हैं। अज्ञान माना ही अंधेरा, अंधेरा माना ही भक्ति मार्ग। तो जगदम्बा से भक्ति मार्ग की स्थापना होती है, बीज पड़ता है, और प्रजापिता से ज्ञान मार्ग का बीज पड़ता है। बाबा, साकार में निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है, क्योंकि ये तन अभी संपूर्ण नहीं बना है। पर जो अगर ये जिसको ये निश्चय हो जाए कि यही तन संपूर्ण बनेगा, क्योंकि तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, तो यही तन को मतलब तो संपूर्ण बनने के बाद क्या निशानी रहेगी कि संपूर्ण बना? अरे मतलब कैसे करें? संपूर्ण की दृष्टि वृत्ति कृति और अपूर्ण की दृष्टि वृत्ति और कृति अंतर नहीं होता है। तो जब अंतर दिखाई पड़ेगा तो पहचान में नहीं आवेगा। बाबा ने तो बोला जो सुने और जो देखे। किसको सुने? बाप को जो सुने
और बाप को जो देखे उसके मुंह से ये आवाज निकलेगा, मेरा बाप आ गया। तो कैसे पहचान हो जाएगी सुनने और देखने मात्र से? पर बाबा किसी को अभी से ही ऐसा लगने लगा कि नहीं यही तन बनेगा तो साकार को, जिसको लगने लगा है वो दिल पे हाथ रख के देखे कि बीच बीच में माया के प्रभाव तो नहीं होता है, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनते हैं। 24 घंटे लगातार निश्चय बुद्धि रहते हैं, यह अनिश्चय भी आता है। आता है या नहीं आता है? आता है। तो शूटिंग निगेटिव भी होता रही हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है। और ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा याद है। हाँ, तो पूछना क्या है? हैं? क्यों? दिलवाड़ा मंदिर में जो मूर्तियां रखी हुई हैं, वो मूर्तियां तपस्या में बैठी हैं। छोटी छोटी 108 कोठरियां हैं, उनमें चार चार मूर्तियां बैठी हुई हैं, दो माँ बाप के रूप में, दो बच्चों के रूप में। तो एक एक कोठरी में कितने हुए? चार। तो टोटल आत्माएं कितनी हुई है? 432। 432 में आत्माओं में युगल जोड़े कितने हुए? है 216 युगल जोड़े हुए। उनमें संगम युग में प्राप्ति करने वाले कितने जोड़े हैं? 108। तो पूरा यादगार है या अधूरा यादगार है? पूरा यादगार है। और मंदिर भी दो प्रकार के हैं, एक काली मूर्तियों का दिलवाड़ा और एक सफेद मूर्तियों का दिलवाड़ा। काली मूर्तियों का दिलवाड़ा बनाने वाले दिगंबर जैनी हैं और सफेद मूर्तियों का दिलवाड़ा बनाने वाले श्वेतांबर जैनी हैं। क्या अंतर है? हैं? श्वेतांबर का मतलब उन्होंने पवित्रता को जास्ती धारण किया है, अंबर माने वस्त्र है, उनका शरीर रूपी वस्त्र है जास्ती पवित्र रहने वाला है संगम युग में, जैसे लक्ष्मी और लक्ष्मी के फॉलोअर्स। और दिगंबर, उनके वस्त्र काले हैं, शरीर रूपी वस्त्र कैसे हैं? काले हैं, माने जरूर घरगस्त में रहने वाले हैं। कर्मेंद्रियों से भी काले हैं, इसलिए काली मूर्तियां दिखाई गई हैं। बल काली हैं, तो भी दिगंबर मंदिर काली मूर्तियों के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं या श्वेतांबर मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं? दिगंबर मंदिर जो ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं, इसका रहस्य क्या है? हैं? हाँ, बल शरीर से, कर्म इंद्रियों से काला कर्म करने वाले हैं तो भी मन बुद्धि से कहाँ रहते हैं? ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं, ऐसी राजयोग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कीचड़ में रहते हुए भी कमल फल फूल समान जीवन जीने वाले हैं, इसलिए वो मंदिर ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं। और बाबा, एक बता दिया सब।
अरे दो माँ बाप हैं तो दो बच्चों को ही जन्म देंगे ना है? अरे क्या हो गया? साढ़े चार लाख माँ बाप हैं संगम युग में, वो सतयुग में साढ़े चार लाख बच्चों को जन्म देंगे तो 9 लाख हो जाएंगे। अब समस्या क्या है? हाँ दो दो बच्चे होंगे। और रेगुलर और पंक्चुअल क्लास भी करते हैं। हाँ जी मुरली भी समझ में आती है। हाँ सब समझ में आ रहा है लेकिन हाँ। प्रैक्टिकल में बनाना नहीं हो पा रही। हाँ प्रैक्टिकल में धारणा पुरुषों को नहीं होती है, कम होती है या कन्याओं माताओं को कम होती है? इससे क्या साबित होता है कि जो भी पुरुष प्रकृति वाले हैं या पुरुष चोले वाले हैं उनमें दुर्योधन दुशासन वृत्ति ज्यादा है, इसलिए ये अंतर पड़ जाता है। है तो बहुत काला कपड़ा होता है, काला कागज होता है या काले रंग की कोई चीज होती है तो उस पर दूसरा रंग चढ़ जाता है, जल्दी चढ़ता है क्या? टाइम लगेगा कि नहीं? ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़े। हाँ बच्चे से आपको जो 60 मंदिर बताए हैं, बच्चे से मंदिर सारी मंदिर जो 60 मंदिर एक साथ बताए हैं। कौन से मंदिर? बच्चे से आपको धर्मराज। हाँ धर्मराज का मंदिर बच्चे से ना जो है यूपी में। हाँ भक्ति मार्ग में जो भी यादगार हैं वो कहाँ की यादगार हैं? उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। जो भी बातें हैं उन भक्ति मार्ग की सारी बातों पर मनन चिंतन मंथन करने से ये ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। सारे प्रूफ जब मिलेंगे तो कोई क्यों नहीं मानेगा? खादी का राजा रानी कहेंगे। हाँ जी आदि नहीं खादी। खादी सर्दियों में गर्म रहती है, गर्मियों में ठंडी रहती है और बरसात में भारी हो जाती है, चिपक जाती है और गंदी जल्दी होती है, ज्यादा गंदी होती है। तो राम सीता को खादी का राजा रानी कहा है। खादी का जो गुण है वो राम सीता वाली आत्माओं में देखा जाएगा। ये राम सीता वाली आत्माओं का आत्माओं की पहचान है। क्या पहचान है? कि ज्ञान बरसात के मौसम में
संगम युग जो ज्ञान का बरसात का मौसम है, उसमें राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा सबके लिए भारी पड़ जावेंगे। हल्की पड़ती है या भारी पड़ती है, समझना और समझाना सहज पड़ता है या मुश्किल हो जाता है, है? मुश्किल हो जाता है। सर्दियों अर्थात सतयुगो त्रेता रूपी स्वर्ग में जहां सबकी बुद्धि ठंडी रहती है, माहौल ही ठंडा होता है दुनिया का, राम सीता वाली आत्माएं सबके लिए सुखदायी होती है। और द्वापर कलयुगी गर्मी के मौसम में राम सीता वाली आत्माओं के जो नजदीक रहने वाले हैं वो भी सुख अनुभव करते हैं, उनके संसर्ग में संपर्क में उनकी राजाई में रहने वाली आत्माएं, भले प्रजावर्ग की आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी सुख का अनुभव करती हैं। इसलिए राम सीता को खादी का राजा रानी का है, आदि का भी कह सकते हैं। नारायण भाई फूलों की माला दीजिए और लक्ष्मी के गले में मोतियों की माला दीजिए। फूल माने क्या होता है, फूल में क्या खासियत होती है, हैं? फूल सुगंधित होता है और हल्का होता है, तो जो ज्ञान से भरी पूरी आत्माएं होती हैं वो हर समस्या को हल करके बुद्धि को हल्का कर लेती है या भारी बना देती है, हल्का कर लेती है। तो नारायण वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है या लक्ष्मी वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है? नारायण वाली आत्मा ज्यादा ज्ञानी है, उनके गले का हार वही आत्माएं बनती हैं जो बहुत हल्केपन वाली होती हैं। और आत्म की स्थिति की बात है, तो एनिस है नया संगठन, एनिस नया संगठन, हाँ, तो एनिस में भाई लोग जा ही नहीं सकते, भाई लोग नहीं जा सकते एनिस में, भाई लोग नहीं जा सकते, ऐसा तो कहीं नहीं बोला, नहीं बोला नहीं, हाँ, बाबा ने कहा ना गाय और बैल एक साथ नहीं जा सकते, हाँ, गाय और बैल एक साथ नहीं जा सकते, हाँ, वहाँ पे अगर भाई लोग जाएंगे तो बैलों को बैलों के बाड़े में रखा जाता होगा, और कानून अभी भी ईश्वर के हाथ में है, कानून अभी भी ईश्वर के हाथ में है, अभी भी, अभी ईश्वर के हाथ में कानून है कि असुरों के हाथ में है? मुरली में तो बाबा ने मना ही किया हुआ है, मुरली सुनते समय कोई काम नहीं करना है कर्मेंद्रियों से, याद में रहने के लिए ऐसे नहीं बोला, क्योंकि हम कर्म योगी हैं, योग और कर्म को अलग नहीं करना है, बाकी ज्ञान के लिए ऐसा नहीं बोला कि खाना भी खाते जाएं, मूंगफली भी चबाते जाएं और बाबा की मुरली भी सुनते जाएं,
क्या ऐसा ही चाहते हैं? नहीं चाहते तो पूछते काहे के लिए? हाँ है सीरियल आता है एक पिंगली देव महादेव, हाँ उसमें जब सती जब देह छोड़ देती है तो शंकर का जो एक रूप जो दिखाते हैं रोना और विलाप करना और रौद्र रूप दिखाते हैं उनका, तो ये मनुष्य का जैसा उनका व्यवहार नहीं है, देवता और मनुष्य में फिर फर्क क्या रहा, वो ऐसा जैसा दिखाते हैं सीरियल में, हाँ वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। शिव का जो पार्ट है वो सिर्फ निराकारी का पार्ट है या निराकार और साकार दोनों के मेल का पार्ट है? तो यही रहस्य है। हाँ बतन का आम लाठी नहीं लगानी पड़ती, लाठी नहीं लगाना। हाँ हाँ, इस दुनिया में भी आम पक जाता है तब लाठी लगानी पड़ती है या कच्चा होता है तब लाठी लगानी पड़ती है। तो वतन में सब संपूर्ण है या अपूर्ण है? है संपूर्ण है तो उनको लाठी क्यों लगाएंगे? ओम शांति।